जय जयपुर थानेदार द्वारा शिक्षक को थप्पड़ मारने का आरोप, थानेदार की एसपी से हुई शिकायत। जय जयपुर थाना प्रभारी पर शिक्षक ने थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है और जांजगीर पहुंचकर मामले की शिकायत एसपी से की है। वही थाना प्रभारी ने आरोप को निराधार बताया है और कहा है कि दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की है, जिस पर जांच चल रही है। गुजकुलिया गांव के शिक्षक द्वारिका प्रसाद चंद्रा ने शिकायत में बताया है कि 21 जुलाई की सुबह उसका भाई चंद्रा अपने पिता झाड़ू रामचंद्रा से खाद निकालना है कहकर पर्ची की खाता की मांग किया तो वह बोला कि हम दोनों की पर्ची अलग अलग हो गई है तो अपनी अपनी पर्ची से खाद लेंगे। इतने में उसका भाई संतोष कुमार चंद्रा भड़क गया और घर घुसकर मारपीट करने लगा। कुछ लोग शिक्षक को बचाने आए और संतोष चंद्रा को घर के बाहर ले गए। कुछ देर बाद फिर से संतोष कुमार चंद्रा डंडा लेकर आया और फिर से मारपीट करने लगा। इसके बाद बचाव के लिए वह अपने घर अंदर घुस गया। इस दौरान घर के पास रखी बाइक को उसके भाई संतोष चंद्रा ने तोड़फोड़ की और घर के बाहर धमकी दे रहा था कि घर के बाहर निकलेगा तो उसे जान से मार देगा। इस घटना की सूचना शिक्षक ने डायल 112 को दी, जिसके बाद डायल 112 के द्वारा शिक्षक द्वारिका प्रसाद चंद्रा और उसके भाई संतोष चंद्रा को थाना लाया गया। शिकायत में शिक्षक ने आगे बताया है कि घटना के बाद थाना प्रभारी गोपाल सतपथी द्वारा FIR दर्ज नहीं की गई और शिक्षक को बैठा कर रखा गया था। बाद में शिक्षक ने थाना प्रभारी को FIR दर्ज करने और जमीन पर अपराधी की तरह जमीन में बैठाने की बात कही तो जय जयपुर थाना प्रभारी गोपाल सतपथी तैश में आ गए और शिक्षक को गाली गलौज करते हुए 2 थप्पड़ मार दिया। शिक्षक ने शिकायत में यही बताया है कि इससे पहले 6 जुलाई 2014, 30 दिसंबर 2018, 21 फरवरी 2021 को संतोष चंद्रा ने जान से मारने की धमकी तो मारपीट की थी। इसकी रिपोर्ट जय जयपुर में दर्ज कराई गई थी, लेकिन जय जयपुर पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही नहीं की गई, जिससे उसके भाई संतोष चंद्रा का मनोबल दिनों दिन बढ़ते जा रहा है।